हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। ओके, तो यहाँ पे ब्रांच्ड चेन अल्केन पहला बेसिक होता है आपके नॉमेनक्लेचर का, आयुपैक नेम का। क्योंकि अगर जब तक आपने अल्केन्स के जो बेसिक रूल्स हैं उसको नहीं पढ़ा है तो फिर आगे चल के भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए अल्केन के बेसिक रूल्स को जान लेने के बाद आपको कहीं भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ज्यादा प्रॉब्लम क्या, और जैसे आप जब अल्केन पढ़ लेंगे, अल्कीन्स अल्काइन्स में जाएंगे या फंक्शनल ग्रुप वाले में भी जाएंगे, तो वहां पे भी क्या होगा, सिर्फ नाम बदलेगा, कंपाउंड का नेमिंग का चेंज हो जाएगा, बट कुछ ऐसे रूल्स हैं जो दो चार रूल हैं स्टार्टिंग के, वो सारे रूल्स सभी जगह फॉलो किए जाते हैं। दैट्स वाई सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन आना चाहिए। ओके, तो देखिए ये अल्केन का सम बेसिक रूल्स है, जिसमें से ये पांच रूल मेन है। इसी फाइव रूल्स को जब आप पढ़ लेते हैं तो आप मास्टर हो जाते हैं नॉमेनक्लेचर के। ठीक है, यानी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कि आप गलत करेंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पांच रूल्स पढ़ेंगे हम लोग। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि रूल्स पढ़ना है, उसको विद एग्जांपल आपको समझाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पांच मिनट में कोई ट्रिक नहीं है, कोई पांच मिनट का ऐसा चीज नहीं है अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर को लेकर। हाँ, अगर रूल्स नहीं पढ़ाना हो और एक एग्जांपल लेके आपको ऐसे ही समझा देना हो, ऐसे 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 हो गया, तो पांच मिनट में काम हो सकता है। बट ये आपका बेसिक क्लास है, बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद तो खुद ही आप मास्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात नहीं, लेकिन ये इतना इंट्रो आपको देना बहुत जरूरी होता है बच्चों। इतना इंट्रो बहुत निहायत जरूरी होता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कहाँ कि क्यों क्या जरूरी है, किस चीज का पढ़ना कैसे जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो में आगे आगे बढ़ने से पहले एक अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो पक्का कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे बेसिक रूल्स में। मैंने लिखा हुआ है पांच रूल्स। देखिए, लॉन्गेस्ट चेन रूल्स, लोएस्ट नंबर रूल्स, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि जो बातें आपके दिमाग में आती हैं, जैसे कैसे हम लोग एक कहावत है, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे लॉन्गेस्ट चेन रूल्स जैसे ही आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में कुछ उछल कर आएगा और आप सोचेंगे जैसे, वैसे ही आ जाएगा लोएस्ट नंबर रूल्स। लोएस्ट नंबर रूल्स जैसे पढ़ेंगे तो बच्चों को बहुत तरह का सवाल दिमाग में आता है, हर सवाल का जवाब अवेलेबल है यहाँ पे। तो लोएस्ट नंबर रूल्स के बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल आ जाएगा, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा, ये तो बहुत आसान होगा, तुरंत समझ आएंगे आप नेम। फिर ये सारे पांच रूल्स आपको पढ़ने हैं, यानी कि जैसे जैसे रूल्स आगे की ओर बढ़ेगा आपके समझ में आएगा कि हाँ ये बात समझना था, ये बात समझना था। ओके, तो चलिए सबसे पहला रूल जो है आपका वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल्स। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या होता है भाई मेरे? लॉन्गेस्ट चेन रूल कहता है कि आपको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन। बस, तो ये क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, और यही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जो होगा वो आपका मेन चेन या प्रिंसिपल चेन या आपका पेरेंट चेन कहलाता है। ठीक है, बात आई समझ में? और उसी का नाम आप अल्केन के फॉर्म में लिखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो कुछ भी बच गया वो साइड चेन है। जब आप एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ये मैटर नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ही लॉन्गेस्ट चेन होगा, कार्बन कार्बन, इस चीज को आप वॉच करें, कार्बन कार्बन कंटिन्यूअस चेन होना चाहिए, कैसे भी चले ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। तो ये नहीं कि कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन का मतलब स्ट्रेट चेन ढूंढना है, ऐसा नहीं है, वो आपको एग्जाम्पल में समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ दिया जाए तो जो बच गया वो साइड चेन, सब्सिट्यूएंट, ब्रांच चेन, जो बोलना है वो बोलिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो यहाँ देखिए दो एग्जाम्पल आपके सामने है, तो यहाँ देखिए ध्यान से इसमें कैसे मेन चेन कैसे ढूंढना है आपको। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल जो है 1 2 3 4 5 6 1, देखिए कंटिन्यूअस का मतलब एक तो हुआ ऐसे, और ये भी कंटिन्यूअस चेन में आएगा जब आप यहाँ एक इंड से चल के दूसरे इंड तक आना है विदाउट इधर उधर गए, ठीक है, इधर उधर जंप नहीं करना है आपको। जैसे यहाँ से आप चलें तो 1 2 3 4 ऐसे आया आए आप, तो एक रास्ता आपका बना हुआ है, कंटिन्यूटी बनी हुई है आपकी। हाँ ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि 1 2 3 यहाँ 4 और फिर भाग के यहाँ 5, ऐसे नहीं, कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए, बस कार्बन कार्बन अटैचमेंट जो होना चाहिए वो कंटिन्यू होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मान लिया कि ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 5, तो आप देख रहे हैं कि आपका 6 कार्बन वाला ही मेन 6 कार्बन सबसे ज्यादा किसमें मिल रहा है, 6 कार्बन में। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका मेन चेन, ठीक है। मैंने कार्बन यहाँ नहीं लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो ये क्लियर है कि कार्बन का टेट्रावेलेंसी हाइड्रोजन से कवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने H को मेंशन नहीं किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको जो समझना है पहले कि मेन चेन क्या है, साइड चेन क्या है, उसके बाद मैं H लिखना भी स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप जब मेन चेन सेलेक्ट कर लिया आपने, तो जो ये बच गया, इसको मेन चेन में नहीं ले पाए हम, तो ये हो गया साइड चेन। बात आ गई समझ में। उसके बाद अब आइए दूसरे नंबर पे, यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो तीन तरह का देखा हमने, तो 7 सबसे ज्यादा है, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन हमारा कौन बनेगा, ये बनेगा, जिधर से चलने पर सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन मिलेगा वही हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया, यानी कि पेरेंट चेन हो गया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन ही पेरेंट चेन होता है। और जब आप पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो रेस्ट बच गया, जो भी बच गया, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी बच गया, वो सारा का सारा क्या हो गया, साइड चेन हो गया। बात आ गई समझ में आपके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको, पेरेंट चेन जो होगा, पेरेंट चेन या मेन चेन, इन दोनों को जो नाम लिखेंगे वो अल्केन के हिसाब से लिखेंगे। यानी अगर 6 कार्बन है तो इसका नाम हेक्सेन, इसमें 7 है तो हेप्टेन, जो मैंने आपको बताया है कि अल्केन का नेमिंग कैसे, तो अल्केन का नेमिंग कैसे किया जाता है उसके अकॉर्डिंग होगा। और साइड चेन का जो नेमिंग होगा वो एज अल्काइल होगा, क्योंकि साइड चेन मतलब अल्काइल के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, ओके क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे अपने, तो ये देखिए पेरेंट चेन नेम कैसा होगा, अल्केन के जैसे, साइड चेन नेम कैसा होगा, अल्काइल के जैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि दो ऐसा चेन हो जाए जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन हो जाए, ठीक है, यानी दो ऐसा चेन हो जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन हो जाए, तो वैसे केस में आपको क्या करना है, उस चेन को मेन चेन लेना है जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो, ठीक है, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझेंगे, देखिए इस तरह से मान लीजिए दो एग्जांपल है, तो क्या हो सकता है, एक ये चेन हो सकता है 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सेम एग्जांपल ये भी है, तो इसका रीजन क्या है वो समझिए आप। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 2 3 4 5 6 ले ले आप, या फिर 1 2 3 4 5 6 ले, तो मान लेते हैं कि आप इसको लीजिए, ये मेन चेन के फॉर्म में आप ले लीजिए, ठीक है, 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो गया मेरा, तो ये मेन चेन हो गया। और इस केस में आप देख लें 1 2 3 4 5 6, इसको आप मेन चेन ले लें। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है जब बनाने के वक्त, कह रहे इसमें भी तो 6 है, इसमें भी 6 है, तो जो ये लेगा उसका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और जो बच्चे इसको सेलेक्ट करेंगे उसका राइट होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, इसको जब आपने मेन चेन लिया, लॉन्गेस्ट चेन लिया, तो यू हैव 2 ब्रांचेज, ओके, इन दिस केस ओनली 1 ब्रांच, बताइए समझ में। तो जब 2 ब्रांच है तो यहाँ यही तो लिखा गया है ना कि जब इफ टू चेन ऑफ इक्वल लेंथ होगा, देन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन टेकन एज पेरेंट
चेन, जिसके जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन पाया जाएगा वही आपका पेरेंट चेन होगा। देखिए जैसे आपने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढा, जैसे ही दूसरा क्वेश्चन होता कि लॉन्गेस्ट चेन दो एक जैसा हो जाता तो उस केस को यहाँ पे संभाल लिया गया कि वैसे केस में आप किसको लॉन्गेस्ट लोगे जिसमें कि जिसको लेने के बाद आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन हो जाए। इस केस में साइड चेन हुआ कितना? दो, जबकि इस केस में हुआ एक, है ना? साइड चेन कितना हुआ? एक हुआ। तो ये समझना है, एक बारी आपको समझना है, थोड़ा लंबा, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगा आपके पास। तो यार समझ गए आप ये रूल को, अब हम लोग आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पे अपने, ठीक है? तो देखिए जो है आपका क्या, लोएस्ट नंबर रूल, ठीक है? सेकंड रूल देखिए, लोएस्ट नंबर रूल, या इसे आप नंबरिंग रूल्स के नाम से भी जानते हैं, नंबरिंग रूल भी इसे कहेंगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां से स्टार्ट हुआ, जब आपने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया, अब उसका नंबरिंग करना है आपको। तो देखिए इसमें दो केस होगा, एक तो होगा जब सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सिट्यूएंट हो, लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि ये दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि यही लॉन्गेस्ट चेन है हमारा, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होते के साथ आप देख रहे हैं कि एक ही आपके पास सिंगल सब्सिट्यूएंट, सिंगल आपके पास सब्सिट्यूएंट बचा है ना, ये आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे सवाल होता है कि नंबरिंग करना, नंबरिंग करना निहायत जरूरी है आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर। क्यों जरूरी है ये बातें आपको आगे चल के भी पता चलेंगी कि नंबरिंग अगर नहीं किया जाएगा तो नाम से स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर से आप नाम लिखते हैं, नाम से फिर स्ट्रक्चर जब बनाना होता है उस समय नंबरिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए यहाँ पे नंबरिंग रूल आप जान रहे हैं। तो देखिए सबसे अहम बात है कि एक केस होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल सब्सिट्यूएंट होगा, और उसके बाद क्या होगा जब मोर देन वन होगा, वन से ज्यादा सब्सिट्यूएंट होगा तो उसका अलग केस हो जाएगा, उसमें क्या होगा वो आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है आप देखिए कि जब आपके पास मेन चेन हो गया और आपके पास एक साइड चेन है तो नंबरिंग आपको हमेशा उस एंड से करना है जिस एंड से कार्बन एटम कैरिंग द सब्सिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर। यानी रटना नहीं है रूल को, उस एंड से आपको चलना है जिस एंड से जिस कार्बन पे सब्सिट्यूएंट लटका हुआ है उसको लोएस्ट नंबर मिले। ओके, तो जैसे आप इस केस में चलेंगे जब वन टू थ्री फोर फाइव, एक तरीका यहां से चलने का हो सकता है, इस एंड से चल सकते हैं, दो ही एंड है, इस एंड से इस एंड या इस एंड से इस एंड, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो आप देख रहे हैं कि इधर से चलने पर टू नंबर कार्बन पे ही सब्सिट्यूएंट मिल जाएगा जबकि इधर से आने पर फोर नंबर कार्बन पे सब्सिट्यूएंट मिलेगा। तो राइट तरीका क्या हुआ? ये हुआ, ये गलत है। बात आई समझ में? नंबरिंग आपको ऑलवेज उधर से स्टार्ट करनी है जब जिधर से कि आपको साइड चेन जल्दी से मिल जाए, ठीक है? बस इतना याद रख लीजिए कि जल्दी से साइड चेन मिल गया अगर एक है तब, लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा होगा वहां पे थोड़ा सा रूल में आ जाएगा कि आपको सम निकाल के देखना होगा कि सम ऑफ पोजिशन ऑफ साइड चेन जिधर से लोएस्ट होगा उधर से आपको नंबरिंग करनी है। तो इसमें आएंगे केस नंबर टू में, ठीक है? तो देखिए जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल का मतलब थर्ड नंबर रूल है आपका, तो जब एक था तो मैंने बता दिया, जब एक से ज्यादा यानी टू और मोर देन टू सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट होगा विथ मेन चेन तब आपको नंबरिंग करना है फ्रॉम दैट एंड ऑफ मेन चेन फ्रॉम वेयर सम ऑफ लोकेंट्स, बस सम ऑफ लोकेंट्स या पोजिशन कहते हैं इसे, पोजिशन ऑफ साइड चेन लोएस्ट, मतलब आप पोजिशन ऑफ साइड चेन को एड करेंगे देखेंगे किधर से लोएस्ट है वही आपका सही नंबरिंग का तरीका होगा। एग्जाम्पल से उसे देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए एग्जाम्पल ऐसा है, ठीक है? तो इसमें क्या है, आप ये तो क्लियर कर लेते हैं कि ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया आपका वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, किसी को भी आप ले सकते हैं, ऐसे लें तो भी वही है, सेम है। तो आप अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, आप करके देखिए लॉन्गेस्ट चेन का जो रूल आपको बता दिया गया अकॉर्डिंगली कीजिए उससे, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है आपका, ठीक है? लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो अब बारी आती है कि ये लॉन्गेस्ट चेन होने के बाद ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन और ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, तो अब नंबरिंग कहाँ से करना है? तो एक एक बात तो हो सकता है कि नंबरिंग आप कहाँ से कर लें, आप नंबरिंग स्टार्ट कर दें यहां से। तो यहां से अगर करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव, इधर से करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव, क्लियर? तो अब आपको करना क्या है अकॉर्डिंग टू रूल, इस रूल के इसके हिसाब से
लेफ्ट टू राइट आप आए हैं तो इसे बोलते हैं LHS से चलने पर सम ऑफ लोकेंड्स क्या है। देखिए टू पोजीशन पे दो अल्काइल ग्रुप है, दो सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट है, टू प्लस टू करेंगे और फोर पे एक ही है तो टू प्लस फोर इक्वल्स टू कितना, तो फोर एट हो जाएगा। समझ में आई बात। उसी तरीके से जब आप RHS से आते हैं, RHS से आ रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका टू नंबर पे एक है जबकि फोर पे फिर आने के बाद सेम दो है तो फोर प्लस फोर होगा। जितना सब्सिट्यूएंट है उतना नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास सब्सिट्यूएंट चार है तो नंबर भी चार होगा। हो सकता है कि सेम हो जाए नंबर, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए, नहीं तो आप समझें कि आपने गलत किया है कुछ। ठीक है, तो फोर फोर एट टू टेन हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे जो रूल है वो क्या है कि जिधर से लोएस्ट नंबर मिले, सम ऑफ पोजिशन ऑफ साइड चेन लोएस्ट हो उधर से ही नंबरिंग करना है। यानी कि ये हमारा सही तरीका हो गया और ये हमारा गलत तरीका हो गया। हम लोग कंपेयर करते जा रहे हैं कि अगर इधर से करेंगे तो क्या हुआ और इधर से कर दिया तो गलत। नाम आप लिख देंगे लेकिन आपका नंबरिंग गलत तो आंसर भी गलत। बात आ गई समझ में। तो चलिए ये रूल आप समझ गए, अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट रूल है अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर द साइड चेन। यानी जब आपने साइड चेन भी सिलेक्ट कर लिया, नंबरिंग भी कर दिया, सारा काम कर लिया, तो अब नाम जब आप लिखेंगे तो साइड चेन का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद देयर पोजिशन लिखेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका मेन चेन ये हो गया। ठीक है, तो मेन चेन ये हो गया, नंबरिंग आपको पता है इधर से स्टार्ट करना होगा आपको 1 2 3 4 5 6 क्योंकि इधर से नियरेस्ट है नंबरिंग साइड चेन, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। तो इस केस में आप देखें एक कार्बन वाला है तो ये कैसे, एक कार्बन वाला क्या होता है मिथाइल कहलाता है, मेथेन से बनता है मिथाइल, मेथेन में से ए एन ई रिप्लेस कर दिया जाता है, वाई एल मेथेन में से आपको क्या करते हैं ए एन ई को रिप्लेस, मैंने पढ़ाया है इसे अल्काइल ग्रुप में, जाके वीडियो देखें आप, प्लेलिस्ट उसका तैयार है तो आपके समझ में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वाई एल ऐड कर दिया जाता है तो क्या हो गया मिथाइल, यानी एक कार्बन वाले को मिथाइल, तो दो कार्बन का होता है इथेन तो इथेन से इथाइल। बात आई समझ में। तो यहाँ पे नाम जब आप लिखोगे ना तो पहले क्या लिखेंगे इथाइल, पहले क्या लिखेंगे इथाइल विद दियर पोजिशन, तो इथाइल कितने नंबर पे है तीन पे, तो थ्री इथाइल और तब आप लिखेंगे टू मिथाइल। यही है इसका रूल का मतलब, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। अभी मैं आपको फुल नेम ऑफ कंपाउंड बताती हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप इसमें मेन चेन ढूंढिए पहले, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि इसमें आप मेन, अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक आने में 7 मिलता है, यानी कि मेरा मेन चेन तो यही हो गया 7 वाला, है ना। हर हाल में आपको काउंट करना है, सबको देखना है स्टार्टिंग में, ठीक है, कि कहाँ तक है। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो लॉन्गेस्ट चेन जब ये हो गया आपका तो ये साइड चेन हो गया इथाइल, ये वाला ये हो गया मिथाइल। अब नंबरिंग आप कर लीजिए, तो देखिए ध्यान दीजिए इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो इस इंड से इस इंड में आते हो तो 1 2 3 4 पोजीशन पे मिलेगा ये, जबकि जब आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे एक मिल जाएगा और फिर 4 पे भी दूसरा मिल जाएगा। तो नंबरिंग का तरीका कहाँ से सही होगा बच्चों, यहीं से होगा। यहाँ से थोड़ा लेट भी मिल रहा है और यहाँ से क्या है जल्दी मिल रहा है, और 3 4 पे मिल जा रहा है, 3 पे 1 4 पे दूसरा, तो 4 3 7 उसको भी ऐड करके आप देखेंगे तो इधर से गलत हो जाएगा आपका। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसमें कैसे करेंगे, जैसे 4 पोजीशन पे इथाइल है तो 4 इथाइल और 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल। यानी बस यहाँ पे समझना ये था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है। ठीक है, अब आप जान लें कि फुल नेम ऑफ कंपाउंड कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखिएगा फुल नेम ऑफ कंपाउंड रिटन एज तो देखिए कैसे लिखिएगा पोजिशन ऑफ साइड चेन, पोजिशन
पोजीशन का मतलब हुआ जिससे साइड चेन जुड़ा है, जिस कार्बन से साइड चेन जुड़ा है वही उसका, वो कार्बन का नंबर ही उस साइड चेन का पोजीशन हो गया। यानी यहाँ पर जैसे इथाइल किससे जुड़ा है, थ्री नंबर कार्बन से, तो यही थ्री नंबर इसका पोजीशन हो गया, पोजीशन ऑफ साइड चेन। अल्काइल ग्रुप जो बोलना है वो बोलिए, शुरू से बता रही हूँ। साइड चेन ब्रांच चेन एक ही है, छोटा सा डैश देना है और उसके बाद लिखना है नेम ऑफ साइड चेन, नेम ऑफ साइड चेन जो कैसा होगा अल्काइल के फॉर्म में होगा। उसके बाद आपको कोई हाइफन कोई डैश नहीं, नेम ऑफ मेन चेन, मेन चेन जो कैसा होगा अल्केन के जैसा होगा। अब जैसे सपोज कीजिए इसी को आप लिख लें एक बारी फुल नेम, तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये नंबरिंग सही तरीके से कर लिया हमने, सारा कुछ हमारे पास है, तो इसका नाम लिखना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आएगा, तो क्या लिखेंगे आप, थ्री थ्री इथाइल, छोटा डैश देंगे टू मिथाइल, और मेन चेन कितने का, छः का, तो मेन चेन का नाम अल्केन की तरह हेक्सेन। बात आई समझ में? उसी तरह से जो यह अनदर एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे, इसका भी नाम आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर इथाइल थ्री मिथाइल, और आपका मेन चेन सात कार्बन का है तो मेन चेन का नाम हो गया हेप्टेन। क्लियर? ठीक है, बस आपने लिखना सीख लिया है, अब आपके पास कोई रूल शेष नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रूल है कुछ, देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा है कि कुछ बताऊंगी मैं आपको, तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिएगा कि दो नंबर को सेपरेट करते हैं कॉमा से, और नंबर और नेम को सेपरेट करते हैं हाइफन से। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है टू नंबर्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा एंड नंबर, और नंबर एंड नंबर एंड नेम सेपरेटेड बाई हाइफन। ठीक है, ये रूल नहीं है, मतलब इसको आपके दिमाग में रखने के लिए कि नंबर सेपरेट होगा कॉमा से, या नंबर और नेम के बीच हाइफन डालना एकदम जरूरी है। अगर आपने छोड़ दिया तो आपका पूरा मार्क्स काट लेगा, एक नंबर का होता है नेमिंग और एक भी मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ये ध्यान रखना होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखवा दिया है, इसको आप भी अपने दिमाग में नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। क्या है वो रूल, देखिए क्या है कि कभी कभी ऐसा कैसे जाएगा कि आप दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे तो सेम पोजीशन पे ही आएगा आपका अल्काइल ग्रुप, तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, वहां पे फिर आपको सम का सम करेंगे तो दोनों तरफ से सम भी सेम आएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए एक नेक्स्ट रूल है जो देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए रूल नंबर फाइव है अपना, नेमिंग द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। अगर ऐसा केस आ जाए कि आपके दो दो सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे हो दोनों ही इंड से, तो वैसे केस में नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जनरली ये रूल नहीं याद रहता है, इसको एकदम याद कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि जब ऐसा केस हो, जो सारा केस आपने पढ़ लिया, सारा कुछ मैंने सिखा दिया, नंबरिंग करना है, ऐसे लिखना है, वैसे करना है, पोजीशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना है, लेकिन इस केस में क्या है भैया, नंबरिंग इधर से करो, आप देख लो करके ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जब आप इधर से चलेंगे तो हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। जब बात आती है कि सम निकालिए तो यहाँ पे भी सम क्या है, फोर थ्री सेवन, और यहाँ पे भी फोर थ्री सेवन आ रहा है, तो दोनों ही तरफ से क्या है सेम सम आ रहा है नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट का, तो ऐसे केस में नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से या इधर से। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ध्यान रखना है जब ऐसा केस आ जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है ठीक है उधर से नंबरिंग होगा, उसको लोएस्ट नंबर आपको देना है। देखिए लिखी मैंने यहां लिखा है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, चेन इज डन इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट विच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट्स द लोअर नंबर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है उसको आपको लोअर नंबर देना है, मीन्स कि आपका ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग जो हमने किया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हमारा सही है, क्योंकि इथाइल को मिला है लोअर नंबर जबकि मिथाइल को मिला है बड़ा नंबर, तो मिथाइल क्या है एम कम्स आफ्टर ई है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये नंबरिंग का तरीका सही और ये हो गया गलत। बात आई समझ में?
तो ये चीज है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताया था बच्चों कि एक रूल जब आप पढ़ेंगे और जैसे ही आपके मन में आएगा कि ये रूल को इस जगह कैसे फॉलो करेंगे, तो वैसे ही दूसरा रूल आपके सामने आ जाएगा। अब हमारे हम मेरे हिसाब से आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा नॉमिक्लेचर के अंदर, ठीक है। तो अब इसका नाम लिख लीजिए आप, तो ऑब्वियस है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका, थ्री इथाइल। और यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर ही लिखती हूँ हमेशा, अगर आप चाहें तो पहला लेटर कैपिटल लिख सकते हैं लेकिन उसके बाद का सारा स्मॉल होना चाहिए, या फिर सारा का सारा स्मॉल आप लिख सकते हैं, आईयूपीएसी सिस्टम इसे भी अडॉप्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा खुद का पर्सनल है कि मैं स्मॉल ही लेटर में सारा लिख देती हूँ, ऐसा नहीं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल देन आफ्टर सारा स्मॉल, तो ये मेरा अपना है। तो आप चाहें तो रूल के हिसाब से मतलब कैपिटल लेटर में एक लिखें उसके बाद, लेकिन आपको दूसरा मिथाइल कैपिटल नहीं लिखना होगा। इसलिए मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि हाँ स्मॉल लेटर में ही लिखो, तो एक जैसा स्मॉल ही स्मॉल लिखते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक जरा भी मार्क्स कटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, आयुपिक सिस्टम इसे अडॉप्ट करता है। इसलिए थ्री इथाइल, फोर मिथाइल, क्योंकि जनरली बच्चे याद नहीं रखते हैं, और जैसे पहला इथाइल है तो ई कैपिटल से लिख दिया, फिर एम मिथाइल लिखने के लिए एम कैपिटल लिख दिया, तो बस वहां पे हो गया स्वाहा। इसलिए मैं ऐसा ही सिखाती हूँ बच्चों को कि ऐसे लिखो सबसे अच्छा, तो हेक्सेन, ठीक है, थ्री इथाइल फोर मिथाइल हेक्सेन हो गया। उसी तरीके से अब आप यहाँ आ जाएं, नेक्स्ट नंबर रूल पे देख लें, सॉरी रूल नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। देखें इधर से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग करेंगे आप तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, विच इज रॉन्ग और विच इज राइट। तो आप सोचिए कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है, मतलब इथाइल हमारा, ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, तो इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो ओबियस है कि नंबरिंग यही सही होगा, क्योंकि इथाइल को मिला है लोअर नंबर और मिथाइल को मिला है ज्यादा नंबर, ठीक है। तो ये हमारा सही है और ये गलत है, तो आप नाम लिखेंगे इसका और नाम क्या हो जाएगा इसका, थ्री इथाइल डैश, देखिए नंबर और नेम को हाइफन से करते हैं सेपरेट, फाइव मिथाइल, सात का मेन चेन हेप्टेन, आता ही समझ में। तो ये रूल मैंने आपको बता दिया, टोटल रूल बता दिया आपको इतने ही देर में बच्चों, तो सारा रूल आप जान गए। अब आपका ड्यूटी क्या है, अब आप एग्जाम्पल्स बनाइए, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल्स है उससे बनाइए, कोई भी रेफरेंस बुक आप पढ़ाई करते हैं उससे बनाइए, लेकिन हाँ नॉमेनक्लेचर पे इतना पकड़ बना लें कि आप कहीं भी कैसा भी एग्जाम्पल्स आपके सामने आ जाए तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। ये बेसिक था, बेसिक बताया गया। अब देखिए इसी में एक ब्रांच चेन, अल्केन ब्रांच चेन में भी ब्रांच चेन आ जाता है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट बोलते हैं, तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आपको, ताकि वो एक सेपरेट फिर से एक रिवीजन के रूप में वो बन जाएगा। यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, एक साथ में सारा कुछ पढ़ा दिया गया तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन के साथ, ताकि आपको उस वो वीडियो जैसे ही डाला जाए फटाक से आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये पार्ट वन है नॉमिनेचर का, तो चलिए जल्दी जल्दी से दो एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल बना लेते हैं, ताकि रिविजन मतलब ताकि जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है इतने देर से वो आपके दिमाग में है या नहीं उसका पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए एक चीज रह गया, वो भी आप देख लीजिए कि जब ये जब आपका डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है वो तो अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा, लेकिन अगर अगर सेम ही अल्काइल ग्रुप हो जाए तो वैसे केस में क्या किया जाए, तो यहां देखिए व्हेन टू और मोर देन टू सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट देन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आप यूज करते हैं, डाई फॉर टू सेम, ट्राई फॉर थ्री सेम, टेट्रा फॉर फोर सेम, पेंटा फॉर फाइव सेम। अब ये क्या है ये देखिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिए अगर इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, CH3 इसका नाम लिखिए, आप देखिए कैसे आपको फटाफट आएगा काम करना, ठीक है। तो क्या है इसमें ओबियस है कि मेन चेन तीन का ही होगा, तो देखिए नंबरिंग भी किसी भी एंड से आप कर सकते हैं, सेम पोजिशन मिलेगा 1 2 3, तो ये हमारा साइड चेन हो गया ना। तो देखिए चूंकि सेम साइड चेन है, मिथाइल ये भी है मिथाइल ये भी है, तो ऐसा नहीं है कि मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जो पोजीशन है जिस कार्बन से ये जुड़ा है उस पोजीशन को दो बार लिखेंगे, यानी 2 2 लिखेंगे,
ठीक है, पोजीशन को टू टाइम्स लिखेंगे, ये नहीं कि टू लिख के छोड़ देंगे, नहीं, टू टू लिखेंगे और उसके बाद छोटा सा डैश देंगे यानी हाइफन देंगे, और इसके लिए यूज करेंगे डाई मिथाइल, यानी कि टू सेम ग्रुप है तो मिथाइल ही रहेगा, लेकिन यूज करेंगे क्या, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल तीन रहेगा तो ट्राई मिथाइल, इसी तरह से किसी भी मिथाइल नहीं, इथाइल प्रोपाइल कुछ भी रहे ना उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो टू टू डाई मिथाइल और तीन का मेन चेन है तो प्रोपेन, बात आई समझ में आपके क्या है यहाँ पे। तो ये एक चीज है जो आपको नोट डाउन करके रखना है कि ये अगर ऐसा केस होता है जहां पे मोर देन टू सेम सेम अल्काइल ग्रुप हो जाए तो आपको क्या करना है, वो हो गया यहाँ पे। अगर डिफरेंट है तब तो आप अल्फाबेटिकल ही लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। और यहीं पे एक चीज आप यहाँ लिख लेंगे कि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा प्रीफिक्स को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन नहीं करते हैं, बात आ गई समझ में। यानी कि डाई मिथाइल है और इथाइल है तो इथाइल ही पहले होगा, डाई मिथाइल नहीं होगा पहले, क्यों, क्योंकि डी को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये मैं यहीं पे लिखती हूँ, आप लिख लें। तो ये देखिए, दे आर नॉट टेकन एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बस अब इतना रूल था। मतलब ये सब रूल के अंदर ही आता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए, जो भी जानकारी आपको होनी चाहिए वो रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने देख लिया कि डाई ट्राई टेट्रा हो गया, इसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं मेंशन करेंगे, मतलब मिथाइल और इथाइल प्रोपाइल यही होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, डाई ट्राई टेट्रा सिर्फ प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग, देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग इसका बनाएंगे। तो सबसे पहले आप मेन चेन ढूंढ लें, 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा का नहीं बनेगा, तो 5 का आपका मेन चेन हो गया। तो ये अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो इसलिए इसको मेन चेन मान लिया हमने, ठीक है। अब आप नंबरिंग का काम करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया तो बच गया जो साइड चेन, उसके बाद बारी आती है नंबरिंग की। तो ऑब्वियस है नंबरिंग आप इधर से करेंगे क्योंकि इधर से फटाक से मिलेगा दो, है ना, एक दो पे, और इधर से एक दो पे मिलेगा तो, लेकिन एक ही मिलेगा, उसके बाद 4 5 पे मिलेगा। तो ये भी एक ट्रिक है, आपको अगर ये चीज ध्यान में रखना है ट्रिक की, उस तरफ से नंबरिंग कीजिए जिससे जिधर से चलने पर जल्दी से आपको ज्यादा साइड चेन मिल जाए। तो नंबरिंग आप यहां से करेंगे, ठीक है, ट्रिक आप समझ रहे हैं, आपको खुद से खुद ट्रिक आना स्टार्ट हो जाएगा जब आप एग्जांपल बनाने लगते हैं तब, ठीक है। या फिर आप वो रूल आप फॉलो करेंगे, मान लो कि आप जो रूल मैंने पढ़ाया है अभी उसको रूल को देखते हैं, तो यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, तो एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से LHS वाला एडिशन कितना होगा, तो 2 पोजिशन पे 1 है और 4 पोजिशन पे 2 है, 4 + 4 तो आया कितना, 8 8 2 10। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो RHS से क्या आ रहा है हमारा, देखिए 2 पोजीशन पे ही 2 आ जा रहा है, तो 2 + 2 और + 4 तो 2 4 4 2 2 4 4 8, ठीक है। तो ये तरीका मेरा सही है जो मैंने आपको बताया, नियरेस्ट मिल रहा है और ज्यादा मिल रहा है, तो ये एक ट्रिक है बनाने का कि नजदीक में और ज्यादा मिल रहा है तो नंबरिंग उधर से आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आप देखिए इसका नाम लिखिए, आप कैसे लिखेंगे, देखिए सारा का सारा तो मिथाइल ग्रुप ही है ना, देखिए, है ना, अभी सीखना है आपको तो सिखा रही हूं उसके लिए। तो आप करेंगे क्या, देखिए 2 2 4 3 सेम है तो 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे आप, और चूंकि मिथाइल है तो मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 5 का है मेन चेन तो पेंटेन, बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लीजिए आप, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा आपका, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 से ज्यादा का नहीं दिख रहा है कहीं भी स्कोप, 1 2 3 4 5, तो 5 ही होगा, तो जब 5 ही है तो इसको लेंगे इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लोग का मेन चेन। अब बारी आती है क्या भैया, नंबरिंग की। अब नंबरिंग कर लो, कहाँ से करोगे, ओबियस है, आप देखिए नंबरिंग इधर से करते हैं अगर, तो सेकंड पोजीशन पे 2 और थर्ड पे 3रा और चौथे पे 4था मिल जाएगा, जबकि इधर से चलेंगे तो सेकंड पोजीशन पे 1 ही मिलेगा, थर्ड पे 1 मिलेगा और तब 4 पे 2 मिलेगा। तो ओबियस है कि नंबरिंग आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट से जाएंगे, ठीक है। तो नंबरिंग कीजिए, तो नंबरिंग देखिए मैं दिखाती हूँ रेड से, 1
टू थ्री फोर फाइव। अब आपको ध्यान रखना है कि ये तो है इथाइल भैया, बाकी है मिथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो आप नाम कैसे लिखोगे, थ्री पे है इथाइल तो हो जाएगा थ्री इथाइल, उसके बाद टू पे दो है, फोर पे एक है तो टू टू फोर ट्राई मिथाइल, तीन सेम ग्रुप है ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, बात आ रही समझ में जो बता रही हूँ? ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग। अब देखिए अगर ऐसा एग्जाम्पल दे दे आपके सामने तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इथाइल लिख दिया, तो ऐसा नहीं करना बच्चों कि इसको डायरेक्ट आप सोच लेना, खुश हो जाना, अरे वाह इथाइल है ये, तो इथाइल हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये कंडेंस फॉर्म में है फॉर्मूला, ये बहुत ट्रिकली आपको बनाना है और नॉमेनक्लेचर आपने नाम लिखना सीख लिया। ये एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे ही आप अपना बुक लेके बैठोगे बनाने के लिए ना, तो उसमें इस टाइप का आ जाएगा, फिर बच्चे फंस जाते हैं वहाँ पे। तो ये इसलिए एक और देख लीजिए आप लोग कैसे करना है। तो सबसे पहले जब इस तरीके से फॉर्म में आ जाए, कंडेंस फॉर्म में आ जाए आपका फॉर्मूला बच्चों, तो उसको आप पहले उसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन करें, उसे कंप्लीट स्ट्रक्चर में लाएं, देन नाम लिखना सीखेंगे आप। तो देखिए इसको पहले करेंगे हम लोग, तो कैसे होगा देखिए आप, CH3 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो कार्बन है तो पहले आप ना दो कार्बन बना लो। ठीक है, यहाँ CH3 है तो दो कार्बन बना लिया, आप टेट्रावेलेंसी पूरा कर दो हाइड्रोजन से, तो इस कार्बन का क्या है दो टेट्रा दो वैलेंसी पूरा, तो और एक दो हाइड्रोजन चाहिए होगा, और इस कार्बन का क्या है एक ही वैलेंसी पूरा है, इसलिए इसको और तीन हाइड्रोजन चाहिए होगा। समझ गए आप लोग, है ना, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन पूरा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अल्केन है, कार्बन और हाइड्रोजन ही रहेगा सिर्फ, कोई और आएगा नहीं इसके बीच में। ठीक है, अब आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो। ऐसे आप ढूंढते तो क्या ढूंढते, वन टू थ्री फोर ढूंढ लेते, लेकिन अब क्या है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव हो जाएगा, है ना। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं पूरी तरह से तो फिर आप आसानी से बना सकते हैं इसको, आप काउंट कर सकते हैं ऐसे वन टू थ्री और टू फाइव। ठीक है, लेकिन अभी आप बनाना बेसिक सीख रहे हैं इसलिए बेसिक सीखिए पहले अच्छे से। हाँ तो देखिए अब आप नंबरिंग भी कर लीजिए कि आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो देखिए ये मेन चेन हो गया हम लोगों का, ये जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक मैं बताना छोड़ूंगी नहीं, यहाँ ये हो गया हमारे लोग का मेन चेन। ठीक है, तो मेन चेन में यहां से अगर आप नंबरिंग करते हो तो वन टू थ्री पोजीशन पे दो मिलेगा, यहां से करते हो तो वन टू पे एक मिल जाएगा और थ्री पे फिर दो मिल जाएगा, तो ओबियस इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि टू पे भी मिल गया और थ्री पे मिल ही रहा, जबकि इधर से क्या है वन टू थ्री पे ही मिल रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग कर लीजिए आप यहां से, तो नंबरिंग हो गया वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक, अब आपके पास नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आप लिखेंगे क्या, टू पे एक मिथाइल है फिर थ्री पे दो मिथाइल है तो थ्री थ्री ट्राई मिथाइल पेंटेन। बात आई समझ में, ये हुआ बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कंडेंस फॉर्म में भी दिया है तो कैसे बनाना होगा आपको। मान लिया कि ये आपके सामने एग्जाम्पल हो CH3 होल थ्राइस C2H5, अब लो इसका नाम लिखो भैया। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस कार्बन का देखिए, ये अकेला कार्बन है तो इस कार्बन को पहले लिख लो। ठीक, इस ये होल थ्राइस CH3 पे होल थ्राइस, यानी इस कार्बन का टेट्रावेलेंसी के लिए योगदान देगा ये, तो CH3 और एक तरफ से C2H5 है, तो C2H5 का मतलब हो गया C2 लिख दिया हमने, जो अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया C2 कर दिया। इसका टेट्रावेलेंसी पूरा करने के लिए दो हाइड्रोजन आएगा, इसका टेट्रावेलेंसी के लिए तीन हाइड्रोजन आ गया। नाम लिख लो, कोई दिक्कत है? इसको देखते जब आप बिगनर्स जब देखते हैं मतलब क्लास 11th के जो नए नए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सिर का दर्द हो जाता है, अरे ये इसका आप कैसे नाम लिखेंगे, तो चेन दिख ही नहीं रहा है, चेन है ही नहीं तो बनाएंगे कैसे भैया। तो चेन में इसको आपको कन्वर्ट करना है, पहले आप कन्वर्ट करेंगे और देन आप नाम लिखेंगे, तो ओबियस नंबरिंग यहाँ से करोगे आप वन टू थ्री फोर। साइड चेन हो गया ये, साइड चेन हो गया ये, तो हो गया। इतनी मेहनत करी है मैंने बच्चों,
आपको सिखाने के लिए कि आप सीख जाएं। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। और चार का मेन चेन, तो दिस इज योर ब्यूटेन, 2,2-dimethylbutene। तो आई होप कि आपके समझ में पूरी तरह से नॉमेनक्लेचर आ चुका है। इसका नेक्स्ट एकमात्र रूल बच गया, रूल क्या है मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, वो अलग से मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में। तो तैयार रहिए, साथ में बने रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।